एक पीस जिसमें दो मैगजीन था, और इसके अलावा 11 अर्धनिर्मित पिस्टल, 9 कारतूस, 20 बैरल, एक लेथ मशीन हथियार बनाने का, और छोटे छोटे कई ड्रिल मशीन सहित कई अन्य सामग्री भी बरामद किया गया है। बांका में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, भारी मात्रा में हथियार व हथियार बनाने वाले सामान बरामद। बांका जिला शंभुगंज थाना क्षेत्र के बरसाबाद गांव में एसटीएफ कोलकाता के निशानदेही पर बांका पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां भारी मात्रा में हथियार व हथियार बनाने वाले सामान बरामद की गई है। पुलिस ने मकान मालिक संजू देवी सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह बातें बांका के एसडीपीओ विपिन बिहारी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया। पकड़े गए अपराधी में एक का नाम फैजल, दूसरा सुखिया, तीसरा नवीउल्लाह, चौथा मोहम्मद अफरोज है। सभी कासिम बाजार कोतवाली मुंगेर के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा छापेमारी में उस घर से एक बना पिस्टल, 11 अर्धनिर्मित पिस्टल, 20 बैरल, 18 पीस बैरल बनाने वाला लोहा तथा एक लैथ मशीन सहित कई हथियार बनाने वाले छोटे छोटे सामान बरामद किया है। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए छानबीन जारी है। क्या मामला है सर, कब से ये लोग ये कारोबार में? आज दिनांक 4 अप्रैल 2023 को अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के विरुद्ध एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस, पटना एसटीएफ और बांका पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। यह ज्वाइंट ऑपरेशन शंभुगंज थाना क्षेत्र के ग्राम वारसाबाद में दिनेश शाह, पिता माधो शाह के वेल्डिंग दुकान में किया गया। एक पीस जिसमें दो मैगजीन था, और इसके अलावा 11 अर्धनिर्मित पिस्टल, 9 कारतूस, 20 बैरल, एक लेथ मशीन हथियार बनाने का, और छोटे छोटे कई ड्रिल मशीन सहित कई अन्य सामग्री भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही वहां पर मौके से 5 अपराधकर्मियों जो अवैध हथियारों के निर्माण में संलग्न थे, उसमें संलिप्त थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद फैसल जो कासिम बाजार थाना का मुंगेर जिला का रहने वाला है, मोहम्मद सुखिया जो ये भी मुंगेर जिला का रहने वाला है, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद नबीबुल्लाह और उस मकान मालकिन संजू देवी, पति दिनेश शाह को, इन 5 लोगों को वहां से मौके से गिरफ्तार किया गया। संजू देवी और दिनेश शाह ही बनवाते थे? हाँ, यह मकान दिनेश शाह का ही था, और दिनेश शाह चूंकि अन्य साक्षियों से पता चला है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी है, जिसके आगे हम और जाँच करेंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से पुख्ता हम लोगों को सूचना मिली है कि दिनेश शाह इस कार्य में पूरी तरह से संलिप्त था। वह इस कांड का मास्टरमाइंड है, और उसी के सह पर ये सारे अपराधकर्मी जो एक कारीगर के रूप में काम कर रहे थे, ये सारे जो 4 लोग हैं वो उसी के सह पर उसके यहाँ काम कर रहे थे। अच्छा सर, कलकत्ता पुलिस को कैसे भनक लगी? हाँ, कलकत्ता पुलिस में जो है 2-3 महीने पहले, चूंकि वहाँ पर पंचायत इलेक्शन होने वाला है, तो इस वजह से वहाँ पर एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था जिसके पास से 7 पिस्टल पकड़ाया था, तो उसने पूछताछ में दिनेश शाह का नाम लिया था, और वहीं से जो है ये सारे भंडाफोड़ हुआ कलकत्ता से। जी, आगे की कार्रवाई, दिनेश शाह अभी फरार है, उसके लोकेशन के आधार पर हम लोग उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके अलावा इस तस्करी में और जो जो लोग शामिल हैं निर्माण और उसके तस्करी में, तो हर लोगों को हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे, जो जो संलिप्त हैं इसमें मुंगेर के भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, वहाँ तक जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, पहले बैठने दिए, पहले सर लोग को बैठने दिए ना। हो गया।